हेलो फ्रेंड्स, आज इंग्लिश का क्लास होगा और इसमें बेसिक से होगा। तो सबसे पहले देखते हैं देयर। देयर का हिंदी होता है वहां, और ये बेसिक क्लास है। इंग्लिश की शुरुआत होती है यहां से। तो सबसे पहले देखेंगे देयर का उपयोग। तो एट एज यूज्ड टू नंबर एंड प्लेस स्थान। तो नंबर गिनती को कहते हैं। से एग्जांपल के तौर पर 1, 2, 3, 4, ये सब जब गिनती की बात की जाएगी तो उसमें जो है हम लोग देयर का उपयोग करेंगे, और प्लेस स्थान, कोई स्थान आएगा उसमें भी देयर का उपयोग करते हैं। और छोटा छोटा ट्रांसलेशन से बराबर बनाएंगे, और आप लोग इसको अच्छे ढंग से देखिए। तो सबसे पहले एक के लिए है रहेगा इज का प्रयोग करेंगे। एक से अधिक के लिए है रहेगा आर का प्रयोग करें। एक के लिए था रहेगा वाच का प्रयोग करें। एक से अधिक के लिए था रहेगा वेयर का प्रयोग करेंगे। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, छोटा छोटा ट्रांसलेशन देखेंगे, उससे फिर बराबर करेंगे, और इंग्लिश काफी आसान है। तो जैसे कि एक किताब है, एक किताब है, इसका इंग्लिश करना है। सबसे पहले तो गिनती है, गिनती है तो क्या लगाएंगे संख्या में, क्या चीज का उपयोग करेंगे देयर का, लिखेंगे देयर। अब एक है, एक के लिए जब है रहेगा क्या चीज का प्रयोग करेंगे एज का, और एक बुक है तो ए बुक। दो कलमे हैं, तो दो कलमे हैं क्या बनाएंगे, सबसे पहले तो देयर लगाएंगे ही क्योंकि गिनती है और चैप्टर भी पढ़ रहे देयर। आर क्यों लगाया आर, क्योंकि दो कलमे हैं, एक से अधिक हुआ। टू पेंस, तीन लड़के हैं, तीन लड़के हैं, सबसे पहले देयर का प्रयोग करेंगे। देयर आर थ्री बॉयज। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, अगला एग्जांपल देखते हैं, और इंग्लिश बहुत ही आसान है। और मेरे घर में चार व्यक्ति है, और इसका ट्रांसलेशन करेंगे। इससे पहले बहुत छोटा देखे थे, और इसमें हम अब कुछ जोड़ते जाएंगे क्योंकि आप लोग थोड़ा ब्रा जो है कि ट्रांसलेशन खोज रहे हैं, और अच्छा
हल्का भी होता है और बड़ा ट्रांसलेशन भारी नहीं होता है, बहुत इजी होता है। तो सबसे पहले तो इसमें गिनती आया, और गिनती आया तो क्या प्रयोग करेंगे, देयर। उसके बाद देयर जब एक से अधिक रहता है के लिए आर का प्रयोग करते हैं, आर लगाए, देयर आर कितना पर्सन, फोर पर्सन। उसके बाद जब में का इन होता है ऑन पर होता है, इसका उपयोग करेंगे। तो देयर आर फोर पर्सन इन माई हाउस, मेरे गांव के बीच में एक विद्यालय है, मेरे गांव के बीच में एक विद्यालय है। सबसे पहले तो देखिए, ये तो देखने में बड़ा लग रहा है और बहुत ही आसान है। सबसे पहले एक है, एक है तो क्या लगाएंगे, गिनती आया देयर, और एक के लिए जब है रहता है इज का प्रयोग करते हैं, देयर इज ए स्कूल, के बीच का इंग्लिश होता है इन द मिडिल ऑफ माय विलेज, मेरे गांव के पीछे एक उच्च विद्यालय है, मेरे गांव के पीछे एक उच्च विद्यालय है। सबसे पहले तो एक उच्च विद्यालय है, इसका बनाएंगे, There is a high school के पीछे, behind behind my विलेज, मेरे गांव के बगल में एक वृक्ष है, मेरे गांव के बगल में एक वृक्ष है। सबसे पहले एक वृक्ष है, There is a tree के बगल का इंग्लिश होता है beside, beside my house, मेरे कॉलेज के सामने एक खंभा है। सबसे पहले एक खंभा है, इसका इंग्लिश बनाएंगे, There is a pole के सामने, in front के सामने का इंग्लिश होता है in front माय कॉलेज। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, और ऐसा ही ट्रांसलेशन सब आता है, और इससे आप लोग जो है लेख लिखने में भी उपयोग कर सकते हैं। और इंग्लिश बहुत ही आसान है, आप लोग वीडियो को बार बार देखिए और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। अब कुछ था में देखते हैं, सबसे पहले तो देखेंगे मेरे घर में तीन किताबें थे,
मेरे घर में तीन किताबें थे, सबसे पहले तो तीन है तो यहाँ लगाएंगे देयर, तीन है एक से अधिक है थे हैं तो वेयर लगाएंगे, देयर वेयर थ्री बुक्स इन माई हाउस, मेरे स्कूल में 10 शिक्षक थे, तो मेरे स्कूल में 10 शिक्षक थे, सबसे पहले 10 शिक्षक है, देयर आर 10 टीचर्स, आर नहीं लगेगा थे हैं सॉरी, तो देयर वेयर 10 टीचर्स इन माई स्कूल, मेरे कॉलेज में दो वृक्ष थे, तो देयर वेयर टू ट्री इन माई कॉलेज, मेरे गांव के बीच में एक नदी है, मेरे गांव के बीच में एक नदी है, एक नदी है, क्या बनाएंगे गिनती है, There is a river के बीच में, in the middle of my village. Is गांव में तीन वृक्ष हैं, इस गांव में तीन वृक्ष हैं, देयर आर थ्री ट्रीज इन दिस विलेज, आप लोग इसको नोट कीजिए। मेरे क्लास रूम में 10 पंखे हैं, सबसे पहले तो 10 पंखे हैं, इसका बनाएंगे देयर आर 10 फैंस इन माई क्लास रूम, मेरे छत के ऊपर दो बिल्ली हैं, सबसे पहले दो बिल्ली हैं, देयर आर टू कैट्स के ऊपर ऑन माई रूफ, रूप मतलब छत, नदी में पानी है, कुछ स्पेशल ट्रांसलेशन है, देयर इज वाटर
There is water in the river. Glass में दूध है. There is milk in the glass. कप में चाय है. There is tea in the cup. आप लोग इसको नोट कर लीजिए और इस प्रकार से ट्रांसलेशन को बनाने के लिए इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और एग्जाम से रिलेटेड हर ट्रांसलेशन को बताया जाता है बहुत ही आसान वे में. और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें. थैंक यू ऑल ऑफ यू. अगले वीडियो में मिलते हैं.